दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली उर्स कमेटी द्वारा हर साल उर्स कैंप का आयोजन किया जाता है, जो इस बार भी किया जा रहा है। लेकिन इस बार उर्स कैंप में अधिकारियों द्वारा कैंप के इंतजाम में लापरवाही बड़े पैमाने पर नजर आ रही है, जिसे लेकर कमेटी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। लेकिन फिर भी कमेटी के चेयरमैन इस्माइली साहब पुरजोर जोश के साथ तमाम सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं जमीनी हकीकत दिल्ली के बुराड़ी मैदान में बन रहे उर्स कैंप की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह उर्स कैंप दिल्ली में हर साल आयोजित होता है, लेकिन हर साल के आयोजन में कुछ ना कुछ सुविधाओं में और इंतजाम में बढ़ोतरी देखी जाती रही है। लेकिन इस साल के आयोजन में एकदम उलट नजर आ रहा है। जो सुविधाएं और व्यवस्था थी वो और अच्छी और समय पर होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार सुविधाओं में भी कटौती हो गई और देरी भी हो गई। जो दिल्ली उर्स समिति का कुल बजट रहता है, उस बजट में भी काफी गिरावट हो गई। अब सवाल यह आता है कि ये देरी और कटौती की चुनौती दिल्ली सरकार की तरफ से हुई या अधिकारी की तरफ से हुई। लेकिन कमी कहीं से भी हो, जवाब तो उर्स कमेटी के चेयरमैन और दिल्ली सरकार में रहे मुख्यमंत्री पर ही आएगी। जब इन पूरे हालातों को कमेटी की तरफ से दिल्ली सरकार के आगे रखा गया, दिल्ली सरकार ने अपना उर्स कैंप को सुपरवाइज के लिए डेलीगेट भेजा। इस विजिट के दौरान बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा और आजादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल खान, उर्स कमेटी के चेयरमैन एफ वाई इस्माइली और कमेटी के तमाम सीनियर कार्यकर्ता और एसडीएम भी मौजूद रहे। इन तमाम कठिनाइयों को आसान बनाते और पूरे जोश के साथ काम करते नजर आए उर्स कमेटी चेयरमैन इस्माइली। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और जायरीनों का इस्तकबाल करने के लिए किस तरह से मुंतजिर हैं इस्माइली साहब। देखिए, इस साल का जो उनसे 812वां उर्स है, ताज़ा मुहिदीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, और इस बार जो है जायरीन बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड है बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में आने की उम्मीद है। यहाँ पर हमने उनके लिए 90% तैयारी पूरी कम्प्लीट कर ली है, और जो अभी है जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई है वो एक दो दिन में कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। 8 तारीख या 9 तारीख से हमारी बसें जानी शुरू हो जाएंगी और ये जो है ये सिलसिला इंशाल्लाह चला रहेगा। यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर उनके लिए एक तो कम्युनिटी किचन बनवाया है, उनके लिए मस्जिद बनवाई है, उनके लिए सूफी गैलरी बनवाई है, उनके रहने का और ठहरने का बेहतरीन इंतज़ाम किया है, उनके लिए कल्चर प्रोग्राम के लिए कव्वाली का मुशायरे का उसका इंतज़ाम किया है, उनके लिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन होता है जिसमें मीना बाज़ार लगता है उसका इंतज़ाम किया है, उनके लिए मस्जिद का इंतज़ाम किया है, उनके लिए खाने का, होटल का, लंगर का सभी तरीके की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई। देखिए, उर्स कम्युनिटी की टीम जो है वो इस बार हमारे साथ, सब लोग एक साथ खड़े हैं। हमारे साथ बकार भाई हैं, हमारे साथ इस्लामुद्दीन साहब हैं, हमारे साथ परवेज नूर साहब हैं, हमारे साथ जो मुशबा भाई हैं, उर्स कम्युनिटी के जितने मेंबर हैं सब एक साथ खड़े हैं। सब लोग दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा एम सिर्फ एक है, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का एम सिर्फ एक है, वो ये है कि जो बाहर के जायरीन दिल्ली आ रहे हैं अजमेर शरीफ जाने के लिए, उनको जो बेस्ट सुविधा हम दे सकते हैं, जो बेस्ट उनको हम दे सकते हैं उनके लिए, उसके लिए हम लोग सब लोग खड़े रहे हैं, इंशाल्लाह खड़े रहें। जब हमने पूरे उर्स कैंप का जायजा लिया तो हमें उर्स कमेटी के कई सीनियर कार्यकर्ताओं ने कैंप के आयोजन में देरी और कमियों को लेकर अपनी निराशा जाहिर की। आइए सुनते हैं कार्यकर्ता वकार खान भोपाली ने हमें क्या जानकारी दी। देखिए रफी भाई, इस साल जो हमें परेशानी जो उठानी पड़ रही है, हमें जो अधिकारी लेवल पे हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो हर साल हमें यहाँ मिला है, DM साहब से और SDM साहब से वो सपोर्ट नहीं मिला है। काफ़ी सारी अड़चने आ रही हैं, जो पहले जो चीज़ें यहाँ पे होती रही हैं ये हर जगह कटौती करना चाहते हैं, कटौती कर रहे हैं। जहाँ हमें 2,500 सेफ्टी तो यहाँ पे लाइट चाहिए वहाँ 100 लाइट दे रहे हैं, जहाँ हमें 4,000-5,000 गद्दे, रजाई गद्दे चाहिए जायरीनों के लिए, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है इस बार, तो वहाँ ओनली 600 रजाई गद्दे दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से कई चीज़ों में
कटौती कर रहे हैं, हमने बहुत उनसे मिन्नत की, गुजारिश की। यही सब देखते हुए अभी दिल्ली सरकार की ओर से एक डेलीगेशन यहाँ पर अभी आया था और उनसे हमने कुछ बातें शेयर की हैं, जो हमारी मेजर परेशानियाँ थी, जो चीज़ हमें चाहिए उनके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये चीज़ें हमें मुहैया कराएं ताकि हमारा इस साल का ये उस कैंप सफल रहे। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा जी आए थे और आदिल अहमद खान साहब आए थे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी इसमें मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन आया था, जो हमें यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं इससे निजात पाने के लिए। बेखौफ ज़ायरीन यहाँ आए, उनको हम अच्छी से अच्छी यहाँ सुविधा देंगे, उनको साफ़ सफाई का उनका ख्याल रखेंगे, टॉयलेट का, नहाने का उनका इंतज़ाम, और जो यहाँ का कम्युनिटी किचन बनता है उनको गैस सुविधा हम लोग देते हैं, सुविधा खाने के उनको जो पर्सनल लोग अपना खाना बना के खाते हैं सारी सुविधा देंगे। ये चीज़ों का इंशाल्लाह हम उनको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। इस पूरी ज़मीनी हकीकत की खबर में हमने ये भी पाया कि जब दिल्ली सरकार की तरफ से सभी सुविधाओं को दिया जाना है तो अधिकारी उसमें कैसे कटौती कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी बदलते रहे हैं इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि जो सुविधाएं या व्यवस्था अधिकारियों से करवाई जा रही है ये कम है या ज़्यादा, क्योंकि जो सुविधाएं की जा रही हैं उन्हें लगता है कि इस सर्दी के मौसम के हिसाब से लोग कम ही आएंगे और जो सुविधाएं या इंतज़ाम किए जा रहे हैं ये बहुत है। लेकिन हमारा मानना यह है कि ज़ायरीनों के आवागमन के अनुसार होने वाली कोई भी कमी को पूरा करने के लिए अधिकारी अपनी सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा देने में सक्षम हैं। अब देखना यह होगा कि इस उर्स कैंप में कितने लोग आते हैं और अजमेर शरीफ की ज़ियारत को जाते हैं, क्योंकि इरादे रोज़ बनते हैं और रोज़ टूटते हैं, इसलिए अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा जी बुलाते हैं। बस इतना ही इस खबर में, अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और ज़मीनी हकीकत की खबर के साथ। शुक्रिया, शब खैर।